कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। उन्हें दो बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर, वो बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहाँ पर्वतराज हिमालय प्रहरी की तरह आठों पहर हमारी सुरक्षा करता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ सचमुच मिट्टी में अमृत है। इतिहास कहता है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत चार जगहों पर छलक पड़ा था। वो चारों नगर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन इसी भारत भूमि पर है। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। है था नहीं, क्योंकि युग पुरुषों के बारे में कभी भूतकाल में बात नहीं करते, ये उनके अवतरण का अपमान है। अटल बिहारी हैं, उस दिन नहीं रहेंगे जब दिवाकर पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा, तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल हैं। मैं एक साधारण सा लेखक और वक्ता हूँ, लेकिन सौभाग्य ये है कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर मुझे बोलने के मौके मिले हैं, बहुत प्रशंसाएं भी मिली हैं। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट है जिसके आगे मैं आदर से सर झुका देता हूँ। कई बार मैंने सुना कि आपकी वाणी में अटल सुनाई देते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये कमेंट मैंने सैकड़ों बार पढ़ा और हर बार सिर्फ लाइक का बटन दबा के रह गया, क्योंकि जवाब में कहने को कुछ था ही नहीं। हर बार शब्दों की मंदाकिनी सूख गई और आंखें भर आईं। अटल जी तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज मैं उन्हें एक स्टेट्समैन के तौर पर नहीं, कवि कुल के पितामह की तरह याद करना चाहूंगा। उनकी कविताओं को आलोचक किसी भी कसौटी पर परखें, मेरी कसौटी सिर्फ एक है, कवि ने जो लिखा क्या उसके जीवन में भी वो दिखा? Did he practice what he preached? इस मापदंड पर अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा सच्चा कवि ढूंढना असंभव हो जाएगा। अटल जी ने जो शब्दों में अंकित किया वही जिया। राजनीति में होने की बहुत बड़ी शर्त है अवसरवादी होना, वो बोलना जो सबको प्रिय लगे। लेकिन अटल जी पहले कवि थे फिर कुछ और, इसीलिए उन्होंने कभी घुमा फिरा कर बात नहीं की। अपने व्यक्तित्व के बारे में उनकी घोषणाएं अटल रहीं। उन्हें दो बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। शायद आधे अधूरे सेक्युलर लोगों के लिए ये बात समझनी मुश्किल हो, लेकिन सोच के देखिए, क्या वो बेटा इज्जत के लायक है जो दूसरों की माँ के कदम चूमे लेकिन अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दे। हम दुनिया में हर धर्म का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी तो नहीं कि हम अपना कुल वंश और परंपरा त्याग दें, अपने शिराओं में बहते हुए रक्त को झुटला दें। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकार पुकार जलते मरघट का धुआं धार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।
मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरा स्वर नभ में घैर घैर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ, मैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर, यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में हिंदू की जय, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर में खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदुत्व और भारतीयता की कोख से जन्मे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने आदर्श भी वही चुने जिन पर यह देव पूजित धरा अभिमान करते नहीं थकती, अटल राम के उपासक भी थे और अनुगामी भी, वो सिर्फ रामायण का पाठ करने और रामनवमी पे चरणामृत पीने तक सीमित नहीं रहे, जब अवसर आया तो उन्होंने दिखा दिया कि उनके मन में ही नहीं आचरण में भी राम है, 1996 कौन भूल सकता है, अटल जी प्रधानमंत्री बने और जब सदन में बहुमत सिद्ध करने का समय आया तो उनके सामने दो विकल्प थे, सूटकेसों के बल पर सरकार बना लें या सरकार गिरने दें और अपने अंदर का राम बचा लें, प्रधानमंत्री बनने के 13वें दिन अपने पद से त्याग पत्र देते हुए अटल जी ने संसद में जो कहा था वो 1300 वर्षों तक भारतीय लोकतंत्र का मस्तक ऊंचा रखने के लिए पर्याप्त है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और ये आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है, आरोप ये है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है, 40 साल से मैं सदन में हूँ,
विपक्ष में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कभी सत्ता के मुंह में गलत काम करने को तैयार नहीं हुआ। पार्टी तोड़कर अनुचित गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। उस दिन संसद में अपना भाषण समाप्त करने से पहले भी अटल ने राम की ही एक सूक्ति दोहराई थी, नभी तो मरणा दशमी केवलम दूषितम यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अपयश से डरता हूं, अपनी कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूं। अटल जी सचमुच मृत्यु से डरे नहीं, उसी शालीनता से उसका स्वागत किया जिस शालीनता से उन्होंने 94 वर्ष का यशस्वी जीवन जिया, और उनकी कीर्ति आज 135 करोड़ भारतवासियों की आंखों में स्मृति के आंसू बनकर चमक रही है। मैं मनोज मुंतशिर अटल जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं और जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं अटल जी के जीवन, उनकी कविता और उनके व्यक्तित्व पर कुछ और एपिसोड्स बनाऊं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखिए, आपका जवाब तय करेगा कि आज का ये एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड बन के रह जाएगा या सीरीज में बदल जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। आज हमारी छतों पे सावन आया है, किसने कहा ये बादल कभी बरसेगा। आज यहाँ तारीफ है, वाह वाह है, ये कमरा कल एक ताली को तरसेगा। बुझ जाएंगी वक्त महल की कंदीलें, गायब सारे रा...